लिदौरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 लाख की 7 मोटरसाइकिल बरामद की। टीकमगढ़ में कुछ दिनों से लिदौरा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बढ़ रही थीं, जो लिदौरा पुलिस के लिए वाहन चोरों को पकड़ने की एक चुनौती बन गया था। आज 2 वाहन चोरों को थाना लिदौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 लाख की मोटरसाइकिल बरामद करने में लिदौरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ प्रशांत खरे के द्वारा धरपकड़ हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लिदौरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के मार्गदर्शन में लिदौरा थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया जहाँ से जाना वाहन चोरी हो रही थी। इस दिशा में अम्बेडकर तरहा बस स्टैंड दिगौड़ा रोड जेवरा तरहा रोड पर विशेष ध्यान दिया गया एवं अम्बेडकर चौराहे पर लगे CCTV कैमरे को खंगाला गया। साथ ही आवश्यक हिदायत देकर मुखबिरों को मामूर किया गया, जिसमें 2 आरोपी विक्की उर्फ प्रवेश कंगीले उम्र 22 साल निवासी ग्राम पंचायत मरगुआ थाना लिदौरा, बिट्टू उर्फ अरुण ठाकुर उम्र 22 साल निवासी गुरसराय जिला झांसी हालग्राम दलूपुरा थाना लिदौरा की पहचान स्थापित की गई। उन पर निगरानी की गई, जिससे 2 मोटरसाइकिल सहित चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। दोनों मोटरसाइकिल चोर लिदौरा थाना क्षेत्र के अलावा भी अन्य थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल की चोरी किया करते थे और दोनों आरोपियों पर पूर्व में भी लूट चोरी एवं अवैध हथियार रखने जैसे अपराध कई थानों में पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड अन्य थानों से मंगाया जा रहा है और इस ग्रुप के कई सदस्यों की तलाश जारी है, जिनके मिलने पर कई और वाहन बरामद होने की संभावना है, जिसमें लिदौरा पुलिस को दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। सर, जो आज खुलासा किया है, क्या कहना चाहते हैं? विगत कुछ दिनों से लिदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जो मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिस संबंध में सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत खरे जी द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिस टीम के द्वारा आज 2 मोटरसाइकिल चोर अरुण उर्फ बिट्टू पिता ब्रजपाल सिंह ठाकुर निवासी गोसराय जिला झांसी एवं एक विक्की उर्फ प्रवेश पिता महादेव गंगेले उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मरगुआ थाना लिदौरा, ये दोनों चोरों को आज गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई। इन्हें पूछताछ पर अभी 2 दिन पहले मरगुआ रोड पर से एक HF Deluxe मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया, साथ ही इसमें पूर्व में इनके द्वारा 6 और मोटरसाइकिल अन्य थाना क्षेत्रों से भी चोरी की गई थी, जो इन्होंने अपने खेत पर एवं अपरवल की पुलिया के पास में छपा कर रखी थी, उसको चुराना स्वीकार किया एवं इनके पास 27 साक्षर नियम का मेमोरेंडम देख किया गया एवं इनके पास ये 7 मोटरसाइकिल आज जब्त की गई हैं। 7 मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 5 लाख रुपये है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है एवं इस मामले में अन्य और इनके गिरोह में जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी पूछताछ कर तलाश की जा रही है, जिनके मिलने पर और भी मोटरसाइकिल बरामद करने की संभावना है। कितने आरोपी हैं, कितने फरार हैं? अभी 2 आरोपी हैं, जिसमें इस मामले में 2 आरोपी थे, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोटरसाइकिल चोरों से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई है, जो मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। अभी 2 आरोपियों के और नाम आए हैं, जिनकी तलाश जारी है।